हिमाचल विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में अमृत महोत्सव मनाया था, जिसके लिए परिवहन निगम की बसें ली गई थी। इन बसों में विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को कार्यक्रम स्थल तक लाया गया था। अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तो हो गया, लेकिन अभी तक सरकार ने परिवहन निगम को 8.5 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। 75वें अमृत महोत्सव के आयोजन के दौरान परिवहन निगम की बसों को किराए पर लिया गया था। परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से सरकार को पत्र लिखा गया है, जिसमें सरकार ने उक्त धनराशि देने का मामला उठाया है। पत्र में ये भी लिखा गया है कि पूर्व सरकार ने सत्ता में रहते हुए निगम की बसें किराए पर ली थी, जिसका भुगतान किया जाना अभी शेष है। परिवहन निगम घाटे में चल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक निगम 1,500 करोड़ रुपए के घाटे में है। कर्मचारियों को हर माह वेतन समय पर नहीं मिलता। इसी तरह की हालत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की है, जिन्हें समय पर पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा। HRTC के प्रबंधन निदेशक संदीप कुमार ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार कार्यकाल के दौरान 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए निगम की बसों को किराए पर लिया गया था। उस समय सरकार ने परिवहन निगम को किराए का भुगतान नहीं किया और 8.5 करोड़ रुपए किराया अभी भी लंबित है। इस संबंध में सरकार को पत्र लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।